अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास ऑटोकैड के क्रॉस सेक्शन हो और हमें उनके ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट शो करने हों क्रॉस सेक्शन व्यू में, ठीक है, तो वो हम लिस्प की मदद से कैसे कर सकते हैं, इनको प्लेस कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरे पास ऑटोकैड ड्राइंग है, ठीक है। अभी इसमें हम अपनी एक लिस्ट लोड करेंगे जिसकी मदद से हम ये जो प्लान व्यू है इसी से कोऑर्डिनेट जो है डायरेक्टली इधर प्लेस करेंगे। तो ये लिस्ट है, मैं इसको लोड करता हूँ। ओके, इसकी शार्ट कमांड है CDF, CDF। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप प्लान व्यू में जो है अपना पॉइंट मार्क करें, तो मेरे पास ये प्लान व्यू है, मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये टॉप पॉइंट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेट हमारा मार्क हो गया है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से रोटेट वगैरह कर सकते हैं, मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रोटेट हो गया है, आप इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसकी हाइट वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, जो आपको रीजनेबल लगे आप उसको रख लें, ठीक है। एक दफ़ा आप इसको बना लें उसके बाद आप इसको मैच प्रॉपर्टी से पूरे सेक्शन में आप इसको कर सकते हैं। तो हम थोड़े से और इसको मैं प्लेस करके देख लेते हैं कोऑर्डिनेट। CDF, ओके, एंड पॉइंट, ओके, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आकर मैंने इसको फिर जो है स्नैप ऑन किया और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, CDF, ओके, यहाँ पे मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे ला के मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट ये है, एंड पॉइंट, ओके, सॉरी, CDF, एंड पॉइंट, ओके। ये आपने जो है इसको पिक जो है वो एग्जैक्ट अपने जो भी पॉइंट आपके पास है वहाँ पे करना है ताकि आपका कोऑर्डिनेट जो है वो रॉन्ग ना आए, ओके। तो यहाँ पे ये प्लेस हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। अभी आपने इसको मैच प्रॉपर्टी के साथ यहाँ से आपने इसको मैच प्रॉपर्टी कर देना है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर बड़े इजीली हमने इनको प्लेस कर लिए। तो अभी हम इनको ये वाले जो पॉइंट हैं ये भी मार्क करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर के पॉइंट हैं, ओके, CDF, ओके, यहाँ पे मैं इसको, ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ओके, यहाँ पे मैंने पिक किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस व्यू में, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। ओके, यहाँ पे ये प्लेस हो गया। नेक्स्ट जो है हमें राइट और लेफ्ट के चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, तो हम पहले लेफ्ट का कर लेते हैं। लेफ्ट का हमारा 3.5 है ऑफसेट इसका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3.5 और -3.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट साइड है हमारी और ये लेफ्ट है, यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट साइड है, ओके, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इस व्यू में क्लिक करना है एंड पॉइंट और यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर देना है, यहाँ पे आ गया ये। इसी तरह अभी हमने इसको यहाँ से आपने इसको ले लेना है, ओके, एंड पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको आपने एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, ओके, एंड पॉइंट,
और यहाँ पे ये जो है PDF, ओके एंड पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको स्नैप कर दिया, ओके यहाँ पे ये प्लेस हो गए हैं। ठीक है, इसको अभी आपने इसमें मैच प्रॉपर्टी करवा लेना है, ओके ये आ गया, ये आ गया, और इसमें यहाँ पे ये भी आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह आप अपने जो है कोऑर्डिनेट जो है वो मार्क कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ये काम आप इसमें ऑटोकैड में ये लिस्ट यूज़ करते हुए कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।